पालकों का पढ़ाई में सहभाग। इस विषय पर मेरा एक सेमिनार था और उस सेमिनार में बहुत विद्यार्थी और पालक उपस्थित थे। सेमिनार समाप्त होने के बाद एक पालक ने हाथ ऊपर किया और मुझसे कहने लगा कि मेरे बच्चे की पढ़ाई लेकर पिछले वर्ष भर में मैंने उसका 15% बढ़ाया है। हमने उन्हें आगे बुलाकर तालियां बजाई। उनसे कहा, मैंने, आप क्या करते हो सर? तब उन्होंने कहा कि मैं गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं। मुझे लगा कि वे इंजीनियर होंगे। तब मैंने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है? उन्होंने कहा कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूं, 8वीं मराठी मीडियम से पढ़ा हूं। तब मैंने उनसे कहा कि आपका लड़का 9वीं में है और आपने उसका अभ्यास लेकर उसके 15% कैसे बढ़ाए? तब उन्होंने कहा कि यह बहुत इजी है, हम लोग हर रोज विशिष्ट समय पर पढ़ाई के लिए बैठते थे। उससे मैं प्रश्नों के उत्तर याद करवा कर लेता था और कहता था कि ये बिना देखे हुए लिखो। मैं उससे मैथ्स के सम समझ के लेने को कहता था कि तू ये बिना देखे सॉल्व कर। इस प्रकार उससे मैं रोज बहुत पढ़ाई करवा के लेता था और ये सब होते 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 उसे सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाते थे और वो बिना देखे लिखने लगता था। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अशिक्षित पालक यदि निश्चय करके उसके बच्चे का 15% बढ़ा सकता है, तो हमने भी यदि अच्छे से तय किया तो हम भी अपने बच्चों के पढ़ाई में सहभागी होकर उसके परसेंटेज इजीली बढ़ा सकते हैं। सिर्फ यहां पर विद्यार्थी और पालक दोनों को ही मिलकर पढ़ाई के लिए बैठने की जरूरत है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब विद्यार्थी और पालक मिलकर पढ़ाई करते हैं, तब पालकों को किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कंप्यूटर पर या टीवी पर यदि वो लेसन लगाया तो वो उसे देखते हुए उनका आकलन बढ़ा सकते हैं और मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर वन, हर दिन कोई भी विशिष्ट समय पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना चाहिए। नंबर टू, करीब आधे से एक घंटा आप अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। नंबर थ्री, अपने बच्चों के बुक्स, नोटबुक्स चेक कीजिए, उसमें होमवर्क कंप्लीट है या नहीं ये देखिए। नंबर फोर, आपके बच्चे इस सीडी में बताए गए मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं उसका ध्यान रखिए। नंबर फाइव, आपके बच्चे बिना देखे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं ये चेक कीजिए। नंबर सिक्स, उसके हैंडराइटिंग और शुद्ध लेखन पर ध्यान दीजिए। नंबर सेवन, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को प्रयत्न पूर्वक इजी करने की कोशिश कीजिए। नंबर एट, अपने बच्चों की असफलता की जिम्मेदारी स्कूल या क्लास पे ना डालकर खुद पे लीजिए, क्योंकि उसकी सफलता से सबसे ज्यादा खुशी आपको होने वाली है और उसकी असफलता से सबसे ज्यादा दुख और नुकसान भी आपको ही होने वाला है। इसलिए उसकी पढ़ाई में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लीजिए। नंबर नाइन, उसने क्या पढ़ाई की है ये उसे क्यूरियोसिटी से पूछिए। शिक्षक की तरह उसे सिखाने दीजिए और विद्यार्थियों की तरह आप भी सुनिए। पेरेंट्स ने अगर इन सब में इंटरेस्ट लिया तो ऑटोमेटिकली बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। उनका नॉलेज और बढ़ाने के लिए उसे किताबें दीजिए और अगर वो किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप भी उसके साथ पढ़िए। जिस दिन स्कूल में होमवर्क ना दिया हो उस दिन उसके साथ उसकी हॉबीज में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। उसका मन पसंद करियर सिलेक्ट कीजिए और उसमें वो किस तरह उच्च शिखर पर सवार होगा इसका नियोजन कीजिए। उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है इसका ध्यान रखिए और आप भी उसके दोस्त बन जाइए। उसको हर वक्त कॉन्फिडेंट बनाइए और सबसे बड़ी बात, उसको सफलता की ओर मार्गदर्शित करते समय पेशेंस रखिए। पेरेंट्स का बिहेवियर, विचार, हैबिट्स, ये सब आइडियल होना चाहिए क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं और फॉलो करते हैं।